गाइस आज हम जाने वाले हैं वाटर किंगडम बोरीवली। तो अभी मैं हूँ, मतलब बोरीवली के अंदर हूँ। यहाँ पे आप आ रहे हो तो वाटर किंगडम आपको फेरी की टिकट लेनी होती है, और यहाँ पे आने का सबसे सिंपल रास्ता है, सबसे पहले आपको बोरीवली रेलवे स्टेशन आना है, फिर वहां से एक शेयरिंग ऑटो पकड़नी है और यहाँ पे आ जाना है। फिर यहाँ से आपको फेरी का टिकट लेना होता है जो कि 100 रुपीज का होता है, जिसमें आपका आना जाना इंक्लूड होता है। तो अभी हम यहाँ से टिकट लेते हैं और अंदर चलते हैं, और इस वाटर पार्क के अंदर बहुत सारी आपको राइड देखने के लिए मिलने वाली है, और ये वाटर पार्क बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मतलब। तो भाई हमने यहाँ पे टिकट ले लिया है, फेरी का टिकट है, तो हमारे 7 टिकट है। तो अभी हम अंदर चलते हैं और लाइन बहुत ज्यादा लंबी है, तो अंदर चलते अभी वेट करते हैं। तो भाई अभी हम आ चुके हैं फेरी के पास में, तो वो हमारी फेरी खड़ी हुई है। अभी हमें उस बोट के अंदर जाना है, और वहां से आप इधर देख रहे हो, अगर आपको विपासना टेम्पल आना है तो उसके लिए भी आपको फेरी यहीं से लेनी होती है। तो अभी हम अपनी फेरी लेते हैं और अपने वाटर किंगडम चलते हैं। तो गाइस अभी हम अंदर आ चुके हैं, तो अगर आपको वाटर किंगडम जाना है तो आपको ये वाला गेट लेना होगा, अगर आपको विपासना टेम्पल जाना है तो आपको लेफ्ट हैंड से आपको गेट लेना होगा। तो अभी हमें जाना है वाटर किंगडम, और इस वाटर पार्क की ये खास बात है क्योंकि एक आइलैंड पे है, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहने वाला है इन सब चीज़ों का। तो अभी हम आ चुके हैं मेन गेट पे, और मेन गेट पर आप ये देख सकते हो यहाँ पर खड़े हुए फोटो ले रहे हैं। ये बताओ ये लड़का है या लड़की? कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। ठीक है, अगर आपको पता चले तो बताना कमेंट में। तो ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्री लेनी होगी और फिर यहाँ से अपने टिकट लेना होगा। तो हमने ऑनलाइन किया हुआ है, तो ऑनलाइन वाले खिड़की पे जाके वहाँ से मेरे को निकालना होगा। तो भाई ये यहाँ पे टिकट काउंटर है, तो आपको यहाँ से टिकट लेना होगा, और हमने तो ऑनलाइन की हुई है, तो हम अपना ऑनलाइन का निकालते अंदर चलते हैं। तो यहाँ का अगर मैं टिकट प्राइस की बात करूँ तो आपको 1250 रुपये यहाँ पर देने होगा। अगर आपका कोई चाइल्ड है यानी कि बच्चा कोई आ रहा है तो आपको 850 रुपये का टिकट होगा उसका। तो अभी यहाँ से आपको एंट्री लेनी होती है, तो बहुत ज्यादा भीड़ है क्योंकि आज कुछ यहाँ पे मतलब इवेंट भी होने वाला है। किंगडम में जाने के लिए आपको यहाँ से इस टाइप की ये ट्रेन चलती है छोटी छोटी, ये लेनी होती है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबी भीड़ थी, बहुत टाइम में यहाँ पे मतलब नंबर आया जाने का, तो अभी भी ये शायद भर चुकी है, अभी दूसरी ट्रेन में जाना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली हमारी ट्रेन आ गई, जो कि ट्रैक्टर की ट्रेन बनाई हुई है इन्होंने, ये गद्दारी कर रहे हैं। मजा आने वाला है आगे, अभी रुके रहो वीडियो में। तो अभी हमारी ट्रेन ने छोड़ दिया और यहाँ पे काफी लंबा जाम लगा हुआ है। बहुत ज्यादा भीड़ है भाई, अभी इंतजार करना होगा। तो गाइस अभी अंदर आ चुके हैं, तो अंदर आते ही आपको यहाँ पर ये शॉपिंग एरिया या रेंट पे अगर कोई कॉस्ट्यूम लेनी है या कुछ खाना पीना है तो आपको यहीं से लेनी होगी। तो सामने आपको जैसे आप कॉस्ट्यूम लेके नहीं आए तो आपको रेंट पे मिल जाती है, सनस्क्रीन वगैरह या कुछ भी एक्सवाइजेड आपको खरीदना है या लेना है रेंट पे, तो आपको यहीं से मिलने वाला है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है भाई, क्योंकि वीकेंड है और प्लस आज कुछ यहाँ पे इवेंट होने वाला है, तो भाई सीरियसली अंदर जाने के बाद बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं लोकर रूम में, और गाइस यहाँ पे ना 5000 से भी ज्यादा लोकर रूम है, मतलब आप समझ रहे हो ना, 5000-6000 से भी ज्यादा लोग एक बार में ही आप यहाँ पे आ सकते हैं। और आज ना वो सभी लोकर फुल है, क्योंकि आपको बता दिया क्या रीजन है उसका, इवेंट वगैरह है और एनिवर्सरी वगैरह भी बता रहे हैं, मतलब इस दिन ओपनिंग हुई थी वाटर पार्क की। तो आज अंदर डीजे वगैरह का भी शो होने वाला है। तो अभी हमने यहाँ पे लोकर लिया है, लोकर में अपना कपड़ा रख दिया है, तो अभी हम अंदर चलते हैं। तो भाई अभी हम जा रहे हैं वाटर किंगडम में अंदर, तो यहाँ पे इस तरीके की स्टैचू बनी हुई है, तो सीढ़ी चढ़ के आपको ऊपर जाना होता है, तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। तो भाई फाइनली हम आ चुके हैं वाटर किंगडम के अंदर, और ये सामने आपको वे पूल देखने के लिए मिलेगा। तो भाई ये काफी ज्यादा सुंदर है और काफी भीड़ आप इधर देख सकते हो, और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है इस चीज को ही देखकर, क्योंकि भाई बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है इधर से पूरा। तो भाई फाइनली आ चुके हैं पूल के अंदर, और सामने डीजे और बहुत सारे लोग हैं भाई, पूरा मजा आ रहा है, अभी अंदर चल रहे हैं। तो गाइस अगर आपके साथ में बच्चे आ रहे हैं तो उनके लिए ये राइड, ये एरिया काफ़ी ज़्यादा सही हो सकते हैं, तो बच्चों के लिए ये राइड और यहाँ पे पूरा ये पूल बनाया हुआ है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे एंजॉयमेंट कर सकते हो। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं राइड को करने, तो ये यहाँ पे हमें ये ट्यूब मिलने वाली है, और ऐसे जाके हम पूरा उस जंगल के अंदर से घूम के आने वाले हैं फिर से इधर, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है भाई साहब। अभी बैठते हैं जाके, ए भाई मुझे भी ले लो। तो गाइस अभी हमारी बोट चल रही है,
अभी हम राफ्टिंग करते हुए तो रास्ते में जाम लगा हुआ है। बाय पोपो साइड दो। तो अभी हमारी राफ्टिंग चलती हुई तो आगे चलते रहो। इधर जाम लग चुका है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, गर्दी बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो चुकी है अभी। और ये हो गया एक्सीडेंट, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हम चलिए तो ये क्या हो गया था भाई, इधर से जल्दी निकलो। तो भाई अभी हमारी गाड़ी झरने के नीचे से निकलती हुई, तो भाई अभी हम आ चुके हैं स्लाइड एरिया में। तो यहाँ पे पूरा भाई देख सकते हो आप क्या अलग ही माहौल बना हुआ है। तो उधर स्लाइड है 90 डिग्री, 180 डिग्री और बहुत बड़ी बड़ी ब्लैक होल। पैर क्रॉस करना हैंड लॉक करके।